कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच इंदौर के दो इलाकों में नोट फेंकने के बाद उनके संक्रमित होने की सूचना से हड़कंप मच गया। खातीपुरा और तुकोगंज में सड़क पर 100, 200 और 500 के नोट मिलने की सूचना पर निगम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों ही स्थानों पर पुलिस और निगम की टीमों ने पहले नोटों को सैनिटाइज किया और फिर उसे जब्त कर लिया। इसके पीछे पुलिस को भी साजिश की बू आ रही है। नोट उड़ाने की पहली घटना खातीपुरा गौरीनगर रोड पर सुबह हुई। यहाँ अज्ञात कार चालक द्वारा हजारों रुपए के नोट उड़ाकर भागने की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना रहवासियों ने निगम अधिकारियों को दी। इस पर नगर निगम अमला हीरा नगर थाने के पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचा। निगम जोन 17 के जोनल अधिकारी नरेन कुरील ने बताया कि वार्ड 20 की धर्मशाला के पास कोई अज्ञात कार चालक नोट उड़ाकर भाग गया। इसमें 100, 200 और 500 रुपये के 20 से 25 नोट हैं। निगम और पुलिस ने वहां पहुंचने पर लोगों को घरों में जाने को कहा और हिदायत दी कि कोई भी नोट को छूने की कोशिश ना करे। इसके बाद CSI ने हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर सभी नोट सैनिटाइज किए। सैनिटाइज करने के बाद भी डंडों से इन नोटों को उठाया गया। प्रशासन को आशंका है कि ये लोगों को संक्रमित करने का एक प्रयास हो सकता है। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने पूरी सावधानी बरती और नोटों को इकट्ठा किया। हीरानगर क्षेत्र में संक्रमित नोट मिलने की खबर के कुछ देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि तुकोजगंज क्षेत्र में भी 500 के दो नोट पड़े हुए हैं। लोगों ने कहा कि नोट संक्रमित हैं और कोरोना फैलाने के मकसद से फेंके गए हैं। पुलिस ने सैनिटाइज करवाकर नोटों को जब्त कर लिया। TI निर्मल श्रीवास के मुताबिक नोट रानी सती गेट डॉक्टर बंगलों के आगे YN रोड पर पड़े थे। बाद में नोटों को सैनिटाइज करवाकर जब्त किया गया। TI के मुताबिक नोट किसने फेंके इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज के आधार पर नोट फेंकने वालों की तलाश कर रही है। यहाँ पर अभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने गाड़ी से आकर कुछ पैसे देके यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ सुनने में आ रहा है कुछ बच्चा यहाँ से गुजरा था। अगर किसी भी परिवार में किसी बच्चे ने कुछ पैसे उठाए हो यहाँ पर तो बता दीजिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। ये किसी संक्रमित आदमी ने देखे हो या नहीं हो सकता है, पर अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि अगर उस बच्चे का पता है आपको तो आप जरूर उसको हमें सूचित करें। उस बच्चे को अलग रखें किस तरह के लिए, जब तक ये कन्फर्म नहीं रहता कि किस व्यक्ति ने पैसे देखे हैं, ठीक है। और वे अनावश्यक जो भीड़ इकट्ठे कर रहे हैं आप लोग यहाँ से लग जाइए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।